साकेत गोखले जो एक एक्टिविस्ट है, एक्टिविज्म के नाम पर उन्होंने लोगों से डोनेशन मांगी थी और वो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं। AITC से वो जुड़े हैं और एक एक्टिविस्ट है। एक्टिविज्म के नाम पर उन्होंने लोगों से डोनेशन मांगी थी, उनको भारी भरकम डोनेशन मिली भी और उन्होंने उस वक्त कहा था कि वो इस डोनेशन को खर्च करेंगे। जाहिर सी बात है कोविड का वक्त चल रहा था, लोगों को लगा कि ये कोविड में लोगों की मदद करने के लिए, माइग्रेटेड लेबरर्स को हेल्प करने के लिए डोनेशन मांग रहे हैं। सिर्फ 2020 के 3 महीनों में उनके पास 76 लाख रुपए की डोनेशन आई, लेकिन उन्होंने वो लिंक कभी भी डीएक्टिवेट नहीं किया और 2 दिन पहले जब कंट्रोवर्सी आई तब उन्होंने वो लिंक हटाया। और अब उन्होंने सफाई दी है कि उन्होंने कभी नहीं कहा था कि वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये तो उनके लिए था ताकि वो जॉब छोड़ के फुल टाइम एक्टिविज्म करने लगे। इसमें अधिकतर लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने तो लोगों के पैसों को लूट लिया एक्टिविज्म के नाम पर। 76 लाख तो सिर्फ 2020 का आंकड़ा है, यकीनन ये आंकड़ा तो 1 करोड़ के पार होगा। और जिस तरह से आपने इतने सारे पैसे इकट्ठे कर लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर, आपको सोचना चाहिए था। वहीं साकेत गोखले ने सफाई दे दी है कि उन्होंने साफ कहा था कि वो एक्टिविज्म के लिए, ताकि उनको नौकरी ना करनी पड़े, इसीलिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। अब इसमें उन्हें ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस वाले तो डिफेंड कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस, BJP और अन्य पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो उनके खिलाफ हमलावर हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश, दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।